उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। पूरे विश्व से भगवान शिव के भक्त भगवान भोलेनाथ का नाम जाप कर रहे थे। शाम हो चुकी थी। शंकर नाम का एक गरीब इंसान अपनी कुटिया में दिया जलाता है। उसकी पत्नी का नाम श्यामला, उसकी बेटी अनामिका। उसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, बेटी को देख रहे हैं कैसे वो अच्छे से खेल रही है। इस बात की खुशी है कि बेटी ने हमारे घर में जन्म लिया, पर दुख है कि वो तीसरी आंख के साथ आई। तीसरी आंख हो, चार हाथ चार पैर हो या पांच सर हो, बेटी पैदा हुई है, इसी बात की हमें बहुत खुशी है। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम उसका अच्छे से देखभाल करेंगे। हाँ श्यामला, वो तो जरूर देखेंगे। वैसे गांव के पंडित जी ने कहा कि हमारी बेटी का कुंडली देखकर बताएंगे। मैं मिलकर आता हूँ, तुम बेटी का ख्याल रखना। इस तरह कहकर वो घर से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ही एक पेड़ के पास वीरू नाम का एक रावड़ी खड़ा था। वो शंकर के घर के तरफ नजर रखा हुआ था। उस घर से बच्चे की हंसी और माँ की आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि अभी तक वो सोए नहीं। जैसे ही वो लोग सो जाएंगे, मुझे तीसरी आंख वाली अनामिका को जाके मार देना होगा। गांव प्रधान सुदर्शन ने कहा है कि वो मुझे बहुत पैसे देंगे। आंखों के पलकों को झपकाए बिना इस तरह से वो कहने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है गांव का महेश, जो कि मटन काटा करता था। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू है और वो शंकर के घर के पीछे से जाकर घर के अंदर ताका झाकी कर रहा है। क्योंकि वो तीसरी आंख के साथ पैदा हुई है, इसलिए अनामिका को उसकी माँ से अलग करने के लिए सुदर्शन ने आज्ञा दी है। क्योंकि तुम बकरियाँ काटते हो, इसीलिए तुम्हारा मन बहुत निष्ठुर है। तुम उसकी माँ से अलग कर सकते हो उसे। उसे जंगल में ले जाकर उसकी जान ले लो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँ? इस तरह वो सोच ही रहा था, तभी पंडित सुभाष भागते हुए उसके घर के तरफ आता है। ऐसा वीरू और महेश दोनों देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। पंडित जी बहुत परेशान थे। शंकर, तुम और श्यामला अपनी तीसरी आंख वाली बेटी अनामिका को लेकर यहाँ से चले जाओ। सुदर्शन बाबू को लगता है त्रिनयनी हमारे इस गांव के लिए बहुत ही अशुभ है। पंडित जी की ऐसी बातें सुनकर शंकर और श्यामला दोनों ही बहुत घबरा जाते हैं। अरे शंकर श्यामला, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? अनामिका को मारने के लिए वीरू और महेश आ रहे हैं। वो आके कहीं तुम्हारी बेटी को लेकर भाग ना जाए। बाकी सब भोलेनाथ की मर्जी। इस तरह से कहने पर शंकर देर ना करते हुए जल्दी से एक लांटर्न उठाता है और अनामिका श्यामला को साथ लेकर उस घर से बाहर निकल आता है। वो वीरू और महेश को देखता है। पंडित जी उन्हें देखते हैं। एक शिशु को मारना बहुत बड़ा पाप है, ये पाप ना करो। इससे पहले कि वो शंकर को पकड़ ले, शंकर श्यामला और बच्ची को लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। शंकर और श्यामला के पीछे पीछे वीरू और महेश भी भागने लगते हैं। शंकर चिल्ला के कहता है, अरे श्यामला, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। मैं तो भाग नहीं पा रही हूँ जी, मेरी तो सांस फूल रही है। तुम ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा? अगर हम पकड़े गए वो हमारी बेटी को मार देंगे। बेटी के चले जाने के बाद फिर हम जी के क्या करेंगे? हे ईश्वर, ये आपकी कैसी लीला है? आपने खुद हमें बेटी दी, वो भी तीसरी नयन वाली बेटी। अब आप खुद ही उसे इस तरह से मृत्यु दे रहे प्रभु। अब आपको ही उसकी जान बचानी होगी। जब वो इस तरह से विनती करती है, कुछ ही दूर पर एक पुराना सा मंदिर दिखाई देने लगता है। शंकर और श्यामला आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। तीसरी आंखों वाली अनामिका बड़े ही प्यार से मुस्कुरा रही थी। शंकर और श्यामला मंदिर के अंदर चले जाते हैं। वीरू और महेश भी मंदिर के पास जाते हैं, पर उनके आते ही मंदिर वहाँ से अदृश्य हो जाता है। ये देखकर वीरू और महेश डर के मारे वहाँ से भाग निकलते हैं। उनके जाने के बाद मंदिर फिर से वापस आ जाता है। मंदिर के अंदर एक शिवलिंग था जो कि धूल मिट्टी से भरा हुआ था। श्यामला, देखो शिवलिंग। हाँ जी, हमारी रक्षा के लिए शिव जी आए हैं। इस तरह से कहने पे शिवलिंग के आगे खुद से दीप जल जाते हैं। आप मंदिर की साफ सफाई कीजिए, आज रात हम यहीं पे रहेंगे। यहाँ नहीं श्यामला। अगर हम इस मंदिर से बाहर चले गए और वो लोग हमारा पीछा करने लगे तो सोचिए क्या होगा। हम इस जंगल में अंधेरे में कहाँ भागते हुए जाएंगे, बताइए।
कम से कम इस मंदिर में भोलेनाथ हमारी रक्षा करेंगे। श्यामला की बातें सुन के शंकर को भी सही लगता है। मंदिर की सफाई करके वो एक जगह बैठ जाते हैं। अनामिका आराम से सो जाती है। बेटी को लेकर चिंतित श्यामला और शंकर बातचीत करने लगते हैं। अभी तो छोटी है, इसकी तीसरी आंख को लेकर हमें ज्यादा परेशानी नहीं, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होगी, घर से वो जब जब बाहर निकलेगी, कैसे वो अपना जीवन गुजारेगी, मुझे तो बस इसी बात की चिंता खाए जाती है, पता नहीं उसका जीवन कैसा होगा। पर श्यामला, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हमारी आंखों के सामने कोई आकर हमारी बेटी की जान ले ले, ये तो हम नहीं देख सकते है ना। इस तरह वो दोनों चर्चा कर ही रहे थे, तभी शिवलिंग के अंदर से ज्योति निकल के आने लगती है और उस ज्योति के साथ साथ आवाज भी आती है। त्रिनयनी बेटी के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अनामिका मेरी ही अवतार है, उसकी तीसरी आँख ही उसे सारी मुसीबतों से रक्षा करेगी। क्रोध आने पे जिस तरह मेरी तीसरी आँख खुलती है, उसी तरह अनामिका की भी तीसरी आँख खुलेगी और वो उसे ही बचाएगी। और ये सत्य अगर तुम लोग किसी के सामने प्रकट करते हो तो याद रखना, ये तुम्हारे लिए भी मुसीबत बन सकती है। इस तरह कहकर वो शिवलिंग उस जगह से अदृश्य हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका को लेकर वो दूसरे गांव चले जाते हैं। वहाँ वो कूली का काम करके अनामिका को पाल पोस के बड़ा करते हैं। अनामिका अब बड़ी हो जाती है। 25 साल की अनामिका शारदा के घर बहू बन के जाती है। एक दिन शारदा अपनी बहू अनामिका से कहने लगती है, अरे बहू, तुम्हारे सर पे ये दाग कैसा है? पता नहीं माँ जी, जब भी मैं अपनी माँ से पूछती हूँ वो कुछ बताते ही नहीं, कहती है कि कुछ दाग है और इस बात को वो टाल देती है। छोड़ो, ये बताओ नाश्ते में क्या बनाई हो? अभी तो भोलेनाथ के लिए नैवेद्य ही बनाया माँ जी। अनामिका के इस बात पर शारदा, जो कि बिल्कुल नास्तिक थी, ये सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से से वो कहने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने कहा था ना इस घर में पूजा पाठ नहीं होगी, पर तुम्हारे ससुर जी के कहने पे मैंने कहा था मेरे नींद से उठने से पहले पूजा पाठ इस घर में हो जाना चाहिए। अब जब मैं पूछ रही हूँ नाश्ते के लिए, तो तुम कह रही हो शिव के लिए नैवेद्य बनाई हो, अभी तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहकर शारदा अनामिका को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है। अनामिका काफी डर जाती है। तभी प्रसाद वहाँ पे आते हैं। बहू, जाओ जाके नाश्ता बनाओ। इस तरह से कहने पर अनामिका वहाँ से सीधा किचन में चली जाती है और नाश्ता बनाने लग जाती है। ये क्या शारदा, बहू को मारने के लिए हाथ उठाई? हम इस घर में उसे खिला पिला रहे हैं और जब मैंने नाश्ते के लिए पूछा, कह रही है कि वो शिव के लिए नैवेद्य बनाई है अभी अभी। हाँ, आपने कहा था इसीलिए पूजा के लिए तैयार हुई थी। आइंदा अनामिका ऐसा की तो मैं उसको इस घर से बाहर निकाल दूंगी। गलत हो रहा शारदा, भोलेनाथ के बारे में ऐसा कहना, तुम विश्वास नहीं करती मत करो, पर जो शिव के भक्त है उस पर हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। सब मेरी ही फूटी किस्मत। लेकिन तुम्हें एक और बात कह देता हूँ अच्छे से शारदा। क्या है वो? कुछ ही दिनों में शिवरात्रि है। बहू अगर पूजा करती है, उपवास रखती है या फिर भोलेनाथ की सेवा में रहती है, उसे तुम कुछ मत कहना। जब जा रहा ही नहीं तो करने देना होगा। इतना कहकर गुस्से से शारदा वहाँ से चली जाती है। फिर शिवरात्रि का दिन आता है। बहू अनामिका घर में ही शिवलिंग के सामने बैठकर पूजा अर्चना करने लगती है। जोर जोर से शिव नाम लेकर वो मंत्र पढ़ने लगती है। उस आवाज से शारदा की सुबह सुबह आँखें खुलती है। पूरे घर में दीप और धुएं से भरा होता है। उस धुए मंत्र सुनकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। शारदा सीधा अपने बेडरूम से उठकर प्रार्थना कक्षा में चली जाती है। वहाँ अनामिका शिवलिंग के सामने बैठकर पूजा कर रही थी। ये घर है कि क्या है, अब मुझे देखना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर शारदा गुस्से से पूजा कक्षा में जाती है। ये सब क्या हो रहा है? माँ जी, आज शिवरात्रि है, हर किसी को शिव जी की आराधना करनी चाहिए। हर दिन जो शिव जी की पूजा करती हो वो काफी नहीं, आज विशेष पूजा करनी है उनकी। हाँ माँ जी, अब मुझे परेशान मत कीजिए, यहाँ से चाहिए तो। ये कहकर अनामिका आंखें बंद कर लेती है और शिव नाम जाप करने लगती है। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। वो अनामिका को एक लात मारती है। अनामिका वहीं गिर जाती है। चूंकि वो अपने पैर उठाकर अनामिका को मारने आई थी, ये देखकर अनामिका गुस्से से अपनी
तीसरी आंख खोल देती है। ये देखकर शारदा आश्चर्य हो जाती है, फिर गुस्से से अनामिका कहती है, एक बार कहती हूँ तो आपको समझ में नहीं आता, आप मुझे क्यों परेशान कर रही है, मेरी पूजा में क्यों विघ्न घटा रही है। आपको मैं, इस तरह से कहती है और उसकी खुली हुई तीसरी आंख से अग्नि की चिंगारी निकल के शारदा पे जाके गिरती है। शारदा डर के मारे जैसे तैसे जान बचा के भागती है, फिर भी वो आग की चिंगारी रुकती नहीं, शारदा पे जाके गिरते रहती है। तब तक प्रशांत और रमेश जो बाहर गए हुए थे वो घर लौट आते हैं। वो अनामिका की खुली हुई तीसरी आंख देखते हैं। पूरी बात दोनों अच्छे से समझ जाते हैं। वो दोनों हाथ जोड़ के शिव नाम जाप करने लगते हैं, जोर जोर से शिव का नाम लेने लगते हैं। तब जाके अनामिका शांत होती है, उसकी तीसरी आंख बंद होती है। ये देखकर रमेश और प्रशांत बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। आग की चिंगारी से शारदा के हाथ जल गए थे, इसीलिए सभी लोग उसे शिवलिंग के पास ले आकर बैठाते हैं। हे भोलेनाथ, मेरी सासू माँ को माफ कर दीजिए, उन्हें इस तकलीफ से मुक्ति दीजिए। हाँ भोलेनाथ, आज से मेरी पत्नी भी आपकी पूजा करेगी, हमेशा आपकी नाम जपेगी। हाँ भोलेनाथ, मुझसे ये तकलीफ अब सहन नहीं हो रही है, हे भोलेनाथ मुझे बचा लो। इस तरह से शारदा विनती करती है। थोड़ी देर बाद शिवलिंग से एक रोशनी आके शारदा के ऊपर जाके गिरती है। शारदा फिर से साधारण हो जाती है। तब से पूरा परिवार शिव जी के भक्त हो जाते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर हम फिर से जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सर्दियों का मौसम था, शारदा प्रसाद खुद को कंबल से ओढ़े हुए थे पर सोए नहीं थे। वो लेटे लेटे तरुण की शादी की बात कर रहे थे। अजी, अब सो गए क्या? नहीं शारदा, मन ही मन मैं गाना गा रहा हूँ। तो मन ही मन गाना बंद कीजिए और तरुण की शादी की बात कीजिए। इसमें बात क्या करनी है, वो नौकरी कर रहा है और उसे नौकरी वाली लड़की भी चाहिए। अरे क्या नाम है उस लड़की का? वैशाली है जी, उस लड़की का नाम वैशाली है। हाँ वैशाली, उसी लड़की से वो प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है ना। बेटा तो उत्साहित है, पर हम बड़े क्यों हैं आप ही बताइए। अगर वो मेरा बेटा होता तो उसके दो गालों पे मैं थप्पड़ लगाता, पर वो तो नहीं है ना, पाला हुआ बेटा है, मैं उसे कुछ कह नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो, वो हमारा बेटा नहीं है क्या, आप ही बताइए। इस तरह शारदा प्रसाद बातचीत कर रहे होते हैं। उधर अपने कमरे में 8 महीने की गर्भवती अनामिका अपनी 6 साल की बेटी भव्या से कहती है, भव्या ये बताओ, तुम मेरे साथ सोना चाहती हो या अपने दादा दादी के पास सोना चाहती हो? मैं दादा दादी के पास सोना चाहती हूँ माँ, मुझे आप दादा दादी के कमरे तक ले चलो। जब दादाजी ने तुमसे ये बात पूछा था तब तुमने उन्हें ये बात क्यों नहीं कही? उस वक्त मुझे लगा था कि मैं आपके पास सोऊंगी, उसके बाद अभी लग रहा है कि मैं उनके पास जाके सोना चाहती हूँ, इसलिए ये भी कह रही हूँ। तुमसे मैं नहीं सकूंगी, चलो। इस तरह कहकर अनामिका अपनी बेटी को साथ लेके सास ससुर के कमरे की तरफ जाने लगती है। अनामिका उनके कमरे में जाने से पहले ही उन दोनों के बीच की बातचीत सुन लेती है। हम बड़े हैं, हमें सोच समझ के फैसला लेना होगा। हमारा बेटा सोच रहा है कि वो प्यार करके शादी करेगा, हमें भी उस लड़की को बहू के रूप में मान लेना चाहिए, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं। उन दोनों की ये सारी बातें गर्भवती अनामिका सुन लेती है, बहुत आश्चर्य होती है और वो रोने लगती है। शारदा प्रसाद तरुण की शादी को लेकर चर्चा कर रहे थे, ये बात अनामिका को नहीं पता था। उसे इस बात की गलतफहमी हो गई कि वो उसके पति रमेश की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। मुझे भी यही लगता है कि अपनी पसंद की लड़की ना हो तो उससे शादी करके वो कैसे खुश रहेगा। इस बारे में हमारी गर्भवती बहू अनामिका से बात करनी होगी। ये तो जरूरी है जी, बेटे की शादी है और बहू को नहीं बताएंगे तो कैसे होगा, बहू की इच्छा से ही उसकी शादी हो पाएगी। अरे वाह रे वाह शारदा, ये सीन देखने में तो बड़ा मजा आएगा। शारदा प्रसाद बातचीत कर ही रहे थे तभी भव्या दरवाजे के पास आकर खटखटाने लगती है। दादाजी, दादी माँ, दरवाजा खोलिए, मैं आई हूँ। उसके इस तरह से कहने पे अनामिका जल्दी जल्दी अपना आंसू पोंछ लेती है। प्रसाद आके दरवाजा खोलते हैं, फिर वो देखते हैं कि भव्या और गर्भवती बहू अनामिका खड़ी है। अरे बहू, तुम अभी तक सोई नहीं, जाओ जाके तुम आराम करो, हम भावना का देखभाल कर लेंगे।
इतना कहकर प्रसाद भव्या को अपने साथ अंदर ले जाने लगते हैं। ठीक है पिताजी। अनामिका दुखी होकर वहां से चली जाती है। भव्या जाके दादा दादी शारदा और प्रसाद के बीच में सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह सास शारदा और बहू अनामिका एक ही वक्त नींद से उठकर बाहर निकल आती है। इतनी ठंड में सुबह सुबह क्यों उठ गई? तुम्हें सोने को कहा था ना? चाहे कितना भी सो लूं मुझे आराम नहीं मिल रहा है माँ जी। क्या हुआ है बहू, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? शारदा के इस तरह के पूछने के बावजूद अनामिका कुछ जवाब नहीं देती और मन ही मन सोचने लगती है। मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं है माँ जी। कल रात आप और पिताजी अपनी बेटे की दूसरी शादी की जब से बात की है तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पूरी रात मानिए सो नहीं पाई, मन के अंदर सुनामी चल रही है, मानो कि तूफान आया हुआ है। अनामिका को सोचते हुए देख शारदा पूछती है, क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुमसे कुछ पूछा और जवाब नहीं दे रही हो, क्या सोच रही हो तुम? कुछ भी नहीं माँ जी। जाओ जाके आराम करो, मैं घर का बाकी काम कर लूंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ जी, मैं कर सकती हूँ, आप जाके आराम कीजिए। तुम्हारा 8 महीने का पेट है, काम करना मुश्किल होता है। तुम जाओ बेटा, जाके तुम थोड़ी देर आराम करो। क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा है इसीलिए कि आप अपने बेटे के पसंदीदा लड़की से आप उनकी शादी करवाना चाहते हैं। ओहो, तो तुमने हमारी बात सुन ली। हाँ हाँ, वो उस लड़की को पसंद करता है, उससे प्यार करता भूल नहीं पा रहा है, इसलिए हम भी चाहते हैं उस लड़की को घर ले आए। शारदा इस तरह से तरुण की शादी की बात उसे बताती है, पर अनामिका को गलतफहमी होती है। उसे लगता है कि वो रमेश की शादी की बात कर रही है। फिर अनामिका बिना कुछ कहे रोते रोते वहाँ से चली जाती है। शारदा घर के बाहर रंगोली देने लगती है। तब करीबन सुबह के 10 बज रहे थे। सोफा पे शारदा, प्रसाद और पंडित जी बैठे हुए थे। अनु, जाके बेटे को बुला ले आओ और कहो कि पंडित जी आए हैं कुंडली मिलाने के लिए। ये सब आप क्यों कर रही हैं माँ जी? ये सब क्यों करना है अब तुम मुझे बताओगी? बेटे से जाके कहो, वो समझ जाएगा। जाओ रमेश को बुला ले आओ। ठीक है माँ जी। इस तरह से कहने पर दुखी होकर अनामिका अपने बेडरूम में आती है। रमेश ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर तैयार हो रहा होता है। उसे देखकर अनामिका कहती है, कहाँ जा रहे आप इस तरह सज सवर के? माँ ने कहा कि किसी गांव में जाना है, इसीलिए मैं तैयार हो रहा हूँ। आपको नहीं पता क्या कौन सा गांव? पता होता तो क्या नहीं बताता मैं तुम्हें। ठीक है, वहाँ पंडित जी आए हैं कुंडली देखने के लिए, इसलिए माँ आपको बुला रही है, जाइए। ये बात सुन के रमेश खुश हो जाता है। ओहो, पंडित जी आ गए हैं क्या? ठीक है अनामिका, मैं अभी आता हूँ। इस तरह कहकर वो खुशी खुशी बेडरूम से हॉल की तरफ जाता है। जाके सोफे पे बैठ जाता है। अनामिका भी वहाँ जाती है। पंडित जी कुंडली देखने लगते हैं। अनामिका, तुम जाके आराम करो, तब से देख रही हूँ कुछ न कुछ काम किए जा रही हो। ये सुनकर अनामिका मन ही मन सोचने लगती है, ओहो, अगर मैं यहाँ रही तो इनकी बात सुन लूंगी, इसलिए। ये सोचकर वो बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। पर वो दरवाजे के पास खड़ी होकर सोफे की तरफ नजर रखती है। वहाँ की बातचीत उसे हल्का हल्का सुनाई देती है। माँ, वर और वधू के गुण बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, बिना कुछ सोच समझे आप इनकी शादी करवा सकते हैं। उनकी ये बात सुन के शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर देर किस बात की पंडित जी, एक अच्छा दिन देखकर आप अपनी हाथों से दोनों की शादी करवा दीजिए। हाँ पंडित जी, ये सही कह रहे हैं। जरूर प्रसाद जी, फिर मैं शादी के लिए एक अच्छा दिन देखता हूँ। इस तरह कहकर पंडित जी गिनती करना शुरू कर देते हैं। ये सारी बातें अनामिका सुनती है, पर वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपने बिस्तर के ऊपर बैठकर वो फूट फूट के रोने लगती है। वैसे भी अच्छा मुहूर्त देख लिया गया है, मुझे घर से निकाला भी नहीं, पर मैं अपनी बेटी भाभियों को लेकर इस घर से कहीं दूर चली जाऊंगी। फिर सास ससुर जी अपने बेटे रमेश की बड़े ही धूमधाम से दूसरी शादी करवाएंगे। इस तरह से अनामिका फैसला ले लेती है। उस दिन शाम के बिल्कुल 5 बजे अनामिका अपनी बेटी भव्या को स्कूल से लेती है और फिर बिना घर गए वो सीधा रेलवे स्टेशन चली जाती है। वहाँ एक सीमेंट के बेंच के ऊपर बैठ जाती है और बैठकर रोने लगती है। माँ, आप बिना घर गए यहाँ पर क्यों आई? हम कहीं और जा रहे हैं बेटा। पर कहाँ माँ? इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी बेटा। इस तरह धैर्य रखकर वो भव्या के सारे सवालों का
एक एक करके जवाब देती है। तब तक अंधेरा हो जाता है। सर्दी का मौसम, चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। ठीक उसी वक्त प्लेटफॉर्म में लाल बत्ती जल उठती है। भव्या माँ के आंचल से अपने चेहरे को ढक लेती है। धीरे धीरे अनामिका कांपने लगती है। उधर शारदा बहुत परेशान एक चिट्ठी लेकर वो हॉल में आती है और रमेश को देती है। रमेश वो चिट्ठी पढ़ने लगता है। मैं समझ गई हूँ कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं, इसीलिए मैं और मेरी बेटी आपकी शादी में रुकावट ना बने हम यहाँ से जा रहे हैं। ये क्या माँ, अनामिका को लग रहा है कि मेरी शादी होने वाली है। आपने बताया नहीं कि ये तरुण की शादी है। हम तो कहने ही वाले थे, पता नहीं था कि बहू को अच्छा लगेगा या नहीं, इसलिए छोड़ो छोड़ो, अभी चलो, वो कहाँ है हम ढूंढ के देखते हैं। ये कहकर शारदा रेलवे स्टेशन के तरफ ढूंढने जाती है। प्रसाद बस स्टैंड के तरफ जाते हैं और रमेश गली गली जाके ढूंढने लगता है। भव्या रेलवे स्टेशन में दादी को देख लेती है। दादी, इस तरह वो बुलाती है। शारदा भव्या को देखती है। भव्या भागते हुए शारदा के पास चली जाती है। शारदा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। गोद में लेकर वो भावना को चूमने लगती है। फिर वो अनामिका के पास जाती है, सब कुछ उसे खुल के बताती है और उसे घर वापस ले आती है। घर में वो तरुण और वैशाली को देखती है। बाद में रमेश और प्रसाद को फोन करके उन दोनों को घर बुलाया जाता है। दोनों घर लौट आते हैं। फिर तरुण और वैशाली को देखकर, अनामिका, घर पे इन लोगों की शादी की चर्चा हो रही थी, मेरी शादी की चर्चा नहीं हो रही थी। माँ जी ने मुझे सब कुछ खुल के बताया है, मुझे ही गलत फहमी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिएगा। उसकी बातें सुनके घर के सभी को थोड़ी राहत मिलती है। फिर एक अच्छा मुहूर्त देखकर तरुण और वैशाली की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। उनकी शादी से अनामिका और रमेश दोनों बहुत खुश होते हैं और इस तरह पूरा परिवार सुखी सुखी जीवन बिताने लगता है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।